परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा दे विच नमस्कार है। जिन्ना ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, दया कीती, भगती दा दान दिता है। गुरु नानक देव ने कहा सी, संतां दीआं कथियां कहानियां उहनां नूं रास आउंदीआं जिंदगी विच, उही लोक आपदी जिंदगी नूं सफल बणाउंदे है जिहड़े उहनां कहानियां दे उत्ते चलदे आ, आपदे जीवन विच ढाल लैंदे आ। संत उस दरबार की दस पाउण वास्ते आउंदे आ, उस दरबार दे विच ले जाण वास्ते आउंदे है जिथे बिना मंगिया वस्तु मिलती है। हथ पसारन की उत्थे लोड़ नहीं पैंदी गी, क्योंकि जो असी आपदी आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण तिने पड़दे ला के पारब्रह्म विच पहुँच जाने हैं। गुरु आप दीआं बरकतां लैके साडे अंदर प्रगट हो जाता है। सच तो यह है कि उन्हूं खुद ही पता हुंदा कि ये मेरे आसरे है, ये मेरा जीव है, ये मेरा बच्चा है, इनू किस चीज़ की जरूरत है। तुसी देख लो, जब थोड़ी जरूरत करने वाला पूरी करने वाला थोड़े अंदर बैठा है, थानू हथ पसारन की की लोड़ है। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहिंदे है कि ऐसा सेवक ऐसी वस्तु नहीं मंगदा गा कि जिहड़ी दुनिया दे विच नाश होण वाली है, फना होण वाली है। वो एको ही वस्ती है कि गुरु तो गुरु नूं मंगणा। गुरु नानक साहब कहिंदे है कि जो कुछ मैं बोलदा वह इस धरती ते भी सच वरतदा है, अगे भी वह सच है। कदे गुरु का बचन फना नहीं हुंदा, नाश नहीं हुंदा गा। जो मैं बोलदा वह सच है। सो सानू चाहीदा है अपनी आत्मा तो सिमरन दे जरिए तिन्ने पड़दे ला के उह जगह पहुंचिए जिथे ओ दाता दान करदा है, जिथे दया लई ओ खड़ा है, जिथे देण नूं तैयार है। सूफी संत बुल्ले शाह ने कहा सीगा, देने वाला तो सखी है, दिन रात इंतजार दे विच है, क्योंकि वह देण ही जाणदा है। पर असी सेवा करनी हो, असी भजन करनी हो, कजूस बने बैठे हैं। सो प्यारे हो, भजन की तरफों कदे कजूस ना बनो। तुहानू पता है कजूस का तो ना ही बुरा है। खुले दिल ना अपना भजन सिमरन करो ताकि वो दाता कृपाल जिहड़ा दया करता है वो जरूर साढ़े ते दया करे, असीं वो दया नूं प्राप्त कर लईए। हाँ भाई, अखां बंद करके सिमरन शुरू करो।